बहुत ज़्यादा चोट लग गई। आज एक डॉग था उसने मुझे काट लिया और ये पूरा छिल गया। अब जा रहे हैं हॉस्पिटल रेबीज का टीका लगाने के लिए कि बच जाए। बहुत ज़्यादा ही लगी है, कम तो नहीं है, दिख रहा है। Hi. So I just had this bite and I had 4 injections, one at my left arm, right arm, then left thigh, right thigh, and जितने भी bite हैं ये 5 bite हैं, 5 injections इसके अंदर। So अगर आप कुत्तों से बच के रहो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर वो काट लेते हैं तो बहुत वियर्ड तरीके से आपको गो थ्रू करना पड़ता है। सो बी अवेयर, किसी को ज़्यादा पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, जितना दूर रहो उतना अच्छा है। किसी के ऊपर लगाने के लिए वो कह रहे बार बार इसको टच मत करो, टच मत करो, इसके ना इंजेक्शन लगाए बड़े सारे, लग गए हाथ के अंदर भी, लगा दिया सब, लगा दिया अच्छा, लेफ्ट राइट सब, सब इंजेक्शन लग गए। हाँ तो 4-5 जो लगने थे सब लग गए, सब लग गए। इसको बांधना भी नहीं ना, ऐसे ही रखना, ऐसे रखना। और इधर वाला भी साइड पे भी बाइट है। और ठंडे पानी सब ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। Hi everyone, I'm so feeling different. Hi everyone, I am really feeling so much that I'm unable to do Kunjal because this is like still in a bad shape. So I cannot do, you know, gargle or something. So I'm just waiting for a time. I know you told me नए साल में हर हफ्ते में एक बनाना, पर ये मालूम है मुझे 6 दिन हो गए हैं पर अभी तक मैं कुछ नहीं डाल पाई हूँ। थोड़े दिन और दे दीजिए, ये पूरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि रोज़ इंजेक्शन लग रहे हैं और स्वेलिंग बहुत है हाथ पे। डॉग ने बहुत तगड़ी तरीके से काटा था तो, और आपकी प्रेयर्स काम कर रही हैं, जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है। सो प्लीज़ ऐसे ही प्रेयर्स करते रहिए। और अभी मुझे बेड रेस्ट ही बोला है क्योंकि यहाँ इंजेक्शन है, यहाँ इंजेक्शन है, नीचे दोनों साइड इंजेक्शंस हैं, तो बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस लग रहे हैं। अभी फिर लगेंगे पूरा 1 month तक इंजेक्शंस लगेंगे। और जहाँ जहाँ ये बाइट है 5-7 बाइट, तो यहाँ पे भी इंजेक्शंस लगे थे। तो बी वेरी वेरी माइंडफुल, अगर आप कुत्तों के आसपास घूमते हैं तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए, एक डंडा लेके चलिए कि एटलीस्ट आप अपने आप को सेव कर सके। और मेरे हाथ में तो मेरा चुटकू नहीं था, पर उसके ऊपर भी बहुत ज़ोर से झपट्टा मारा। एक दिन तो वो था गोदी में तो बच गया, पर दूसरे दिन तो मेरा ही हाथ आ गया। सो प्लीज़ आई नो, थोड़ा सा ये ठीक हो जाए फिर मैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट्स और बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस लेकर आऊँगी। कुंजल क्रिया, हेल्थ वेल्थ और बहुत सारी चीज़ें। सो उसके अलावा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल शुरू हो चुका है, आपके लिए बहुत मंगलमय हो। और जो भी अड़चन और जो भी परेशानी आती भी है तो उसको ऐसे लंबा गहरा सांस भरिए और मुंह से निकाल दीजिए, एंड जस्ट कीप एंजॉयिंग एंड कीप लाफिंग। बाय बाय।